आज बात करने जा रहे हैं पद्मावती फिल्म के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरेंद्र सिंह जी जोधा, जो पेशे से शिक्षक हैं, इज अ टीचर एंड ही इज अ रेगुलर विजिटर टू आवर प्रोग्राम। हरेंद्र जी, प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, वेलकम। एंड और एक बड़े ही यंग जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ में है, रंजीत सिंह राठौड़, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है ब्रुनेल यूनिवर्सिटी में। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन। आप दोनों का स्वागत है सबसे पहले तो, एंड थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ एमएचईवी एंड माय सेल्फ कि आपने कीमती समय यहां में निकाला और आप लोग। जैसे कि हम अपने बोला, हम राजस्थान की पीढ़ी, हम राजस्थान से हम उठे हैं, यहाँ पर आए हैं। तो हमने जो जब स्कूल में थे, जब हम पढ़ाई करते थे, अभी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, राजस्थान में जब शिक्षा प्राप्त की तो हमें हिस्ट्री हमारा सबसे कोर एंड सबसे फंडामेंटल सब्जेक्ट था, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस डाला जाता था, बहुत ज्यादा मतलब वो मेन इम्पैक्ट रखते थे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री की वजह से आज आप हो, आपके जो पूर्वजों ने जो किया है आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स ने जो आपके लिए लड़ाई लड़ी है, जो आपके लिए जो अचीवमेंट्स हासिल किए आप उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हो। तो हिस्ट्री बहुत क्रूशियल चीज जो रही है राजस्थान में और पूरे अगली पूरे इंडिया में रही है ये चीजों के ऊपर। तो आप जैसे बोल रहे थे अब इन रानी पद्मावती के ऊपर बात कर रहे थे, तो जो हमने हिस्ट्री में सीखा वो हमने सीखा था राजपूत राजाओं के बारे में सीखा था, राजपूतानियों के बारे में सीखा था। तो उसके ऊपर एक छोटी सी दो शब्द है, दो लाइनें जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी, जो अभी तक मेरे मतलब दिल के बहुत करीब है, जो मैंने बचपन से मेरे पास में डायरी रखता हूँ छोटी सी, उसमें लिखी है, उसमें हमारे टीचर ने पढ़ाया था। तो ये उसमें ये था, यूं तो लाखों वीर होते हैं पर सर महाराणा प्रताप नहीं होते, खूबसूरत हर लड़की होती है पर सब रानी पद्मिनी नहीं होती है, धरती पर पूत सभी होते हैं पर सब राजपूत नहीं होते हैं। तो मैं इस लाइन पर थोड़ा और विस्तार करना चाहूंगा कि आपने बोला कि समय के साथ साथ में इसमें और चीजें ऐड होती गई, और पन्ने ऐड होते रहे इसके अंदर। तो वो कहते हैं ना कि वक्त जरूर बदल गया है पर रक्त नहीं बदला है। वो वही पीढ़ी है, हम उन्हीं पूर्वजों के हम संतान हैं, हम उन्हीं के बेटे हैं, हम उन्हीं की बेटियां हैं जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने राजपूतों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, एक सबके लिए, एक यूनाइटेड नेशन, एक कंट्री के लिए लड़ाई लड़ी थी। अभी जो करंट जो इश्यू हो रहा है उसमें आप और रोशनी डाल सकते हैं, जिसमें आप प्लीज फॉलो। हमने आपसे ये बात पूछी, हरेंद्र सिंह जी आप मतलब इस विषय में काफी गहराई से जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो कथाएं होती हैं उन कथाओं में चैप्टर्स जुड़ते जाते हैं वक्त के साथ में, शोधित कई बार शोधन होता है और कुछ बातें ऐसी पता चलती है जो पहले पता नहीं होती तो वो एड की जाती है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो छूटती जाती है।